सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, और बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले कि आपने आज ज्वाइन किया। सर, पहला टॉपिक जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी वो ये कि ये हमारी तरफ इंडिया पाकिस्तान को अगर हम देख लें, यहाँ के मुस्लिम समय कुछ बाकी दुनिया से अलग क्यों नजर आते हैं? कि इनके ना पढ़ाई लिखाई में कोई खास, कुछ लोग बाहर निकले होंगे, दो चार के अलावा हमें किसी का नहीं मालूम, लेकिन या कोई हमें नुमाया नजर नहीं आता दुनिया में कि कोई साइंस में इन्होंने कोई काम किया हो, कुछ इन्होंने इस तरह की चीज, लेकिन हिजाब और इस किस्म के नॉन इश्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम अभी तक इस्लामोफोबिया और हिजाब के पीछे जो है वो लड़ रहे हैं और पूरे कहना चाहिए रैलीज निकाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों करते हैं? कि जनरलाइज करना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो मैं मलाबार की नहीं कर रहा या तमिल मुसलमानों की नहीं कर रहा। ये एक कंसेप्ट है कि ज़मीन से इनका ताल्लुक नहीं रखते ये, आपने इनको प्यार नहीं है ज़मीन से, ये उस हिंदुस्तान की ज़मीन को अपनी ज़मीन नहीं समझते, ये इनका कोई लगाव दरियाए सिंध से नहीं है, रावी वावी से हो भी जाए तो वो भी क्योंकि लाहौर के पास बहता है, लेकिन दे लुक एट एवरीथिंग विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द हेरिटेज। तो ये दुनिया की वाहिद लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी से बड़े शर्मिंदा रहते हैं। इनका ना कोई हीरो है ना इनका, यानी इनकी ये ऐसे लोग हो गए कि इनका हीरो वो होता है जिन्होंने इनकी ठुकाई लगाई होती है। सो मैं पाकिस्तानी समझता हूँ वो लोग जो पंजाबी मुसलमान हैं या जो इंडिया से बकौल उनके हिजरत करके इस पाक सरजमीन पे आके अपनी उर्दू छोड़ के गए। बाकी लोग पाकिस्तानी मैं नहीं समझता, ना बलोच पाकिस्तानी है ना सिंधी और ना पश्तून, उनकी अपनी रिवायात हैं, उनके अपने क्लेम है टू नेशनहुड और बिल्कुल जायज़ हैं। बलोचिस्तान तो एम्बेसी होती थी पाकिस्तान में, पश्तूनिस्तान का आप देखिए कि बीच में लाइन डाल दी, ड्यूरेंट लाइन, और कह दिया कि पश्तो बोलने वाले मुसलमान इधर हो जाएं और पश्तो बोलने वाले मुसलमान उधर हो जाएं, तो दोनों देखते रहे कि क्या डिवाइड कर रहे हो फिर तुम। बोले नहीं नहीं आप लोग दो हो गए अब। तो ये भी नहीं था जैसे पंजाब सिखों और मुसलमानों में बटा या समथिंग। सो वी आर अ पीपल हु हैव नो आइडिया कि हम किसी जमीन से कैसे लगाव रखें। आप अगर जाते हैं ईरान या तुर्की तो उनकी हिस्ट्री, उनकी ज़मीन, उनकी कहानियाँ, उनके फोक हीरोज होते हैं वहीं के, है ना, चाहे उसमें पोइट्री आ जाए, आर्ट आ जाए। अरबों के इसी तरह के हीरोज अलग हैं, वो जो उनके गाने वाले हैं अलग, उनके शायर अलग हैं, चाहे वो यू नो फिलोसफर्स लाइक पीपल हु वेंट टू सेनेगाल और वहाँ से फ्रांस गए। बेतहाशा वैरायटी है अपनी अरब आइडेंटिटी को संभाले हुए। एडवर्ड सईद ने कहा था कि वहाँ दो तीन साल रह जाओ तो खुद ब खुद आदमी अरब बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। हमारे यहाँ आपको कोई मिलेगा ही नहीं ये तीन माइनॉरिटीज के अलावा जिसको ज़मीन से कोई लगाव हो। तो जो आए थे लखनऊ से लालू खेत, वो भी नाराज हैं, क्या यहाँ कहाँ से करे, हालांकि उनको उन्होंने कब्जा किया पाकिस्तान के कल्चर और हेरिटेज पे। और पहले अगर आप टीवी रेडियो ड्रामे देखें तो पाकिस्तान उनमें नहीं नजर आता था,
उसमें लखनऊ आता था, बरेली आता था, पता नहीं दुनिया भर के छोटे छोटे गांव का जिक्र हो जाता था, कभी ठट्ठा का जिक्र किसी प्ले में नहीं हुआ, किसी रेडियो प्ले में ठट्ठा नहीं आया बीच में, या कोई कह दे लजबिला का जिक्र हुआ हो, सो दे वर कट ऑफ फ्रॉम दिस रियलिटी। एंड दैट इज व्हाई जब आप की मौसीकी, आपकी जमीन, आपकी जबान, एवरीथिंग इज नॉट मेश्ड टुगेदर एज योर हेरिटेज, यू हैव नथिंग लेफ्ट। तो फिर तो आप यही ड्रामेबाजी करेंगे ना कि अरब से ज्यादा अरब और ईरानी से ज्यादा ईरानी आप ही हैं, किसी को फिक्र नहीं है कि कौन हिजाब कहाँ पहन रहा है। और आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर एक जैसे जिहाद का समा बना हुआ है कि लड़की, जनाब वो लड़की देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब वो आती, वो शेरनी जिसे आजकल कह रहे हैं, वो आती अपनी बाइक स्कूटी पे, स्कूटर पे जाके पार्क करती है और वो कैमरा उसको फॉलो कर रहा, वो मोटरसाइकिल पे क्रैश हेलमेट नहीं पहनती, हालांकि इंडिया का कानून है आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते विदाउट क्रैश हेलमेट। आयरनी देखिए कि क्रैश हेलमेट पे तो उसे कोई इतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उसका डिमांड है कि सर मेरा कवर होना चाहिए, तो वो मोटरसाइकिल पे आती है बगैर हेलमेट के, वो नीचे उतर के जब पूरे खूंखार एटीट्यूड से लेके आती, तब वो सर पे हिजाब डालती और अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, जो जंग का नारा है बेसिकली। एंड शी सो द एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी इज सोन इनटू एवरीथिंग वी डू। हमने पाकिस्तान का किस्सा बताइए, उस शख्स से बनवा लिया जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते, उसको गांधी जी ने बताना पड़ा कि भाईजान की जूते पहने हुए, Why should I take off my shoes? ये जिना साहब की बात है, वो पोर खा रहा है, शराब पी रहा है, दारू बेटा है, 16 साल की लड़की भगा के ले गया, दोस्त की बेटी को ले गया, बीवी बनाया 2 साल बाद, जना करता रहा उस वक्त तक, ही शुड बी चार्ज पॉस्थिमसली फॉर पेडोफिलिया, और फिर अपनी बेटी से कह दिया तुमने पारसी से शादी कैसे की। इतनी मैड हाउस एक आदमी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, जो अंग्रेज के कहने पे चले, चर्चिल उससे छुपके मिलता था कि कोई देख ना ले तो मैं इतने घटिया आदमी से मिल रहा हूं, वो लोग इना साहब को कहते हैं कायदे आजम। इसका मतलब ये है कि उनको कोई भी पाकिस्तान की सिंध या पंजाब या फ्रंटियर की तारीख का आदमी उनको मिला ही नहीं, ना बुल्ले शाह उनका नेशनल पोएट हो सकता, ना आपका दादू में सकरण के अंदर, ना फ्रंटियर के जो बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए, उसकी ओनरशिप ही नहीं है। आपका पूरा मुल्क कहता है कि गफार खान गद्दार था, तो आप मुझे बताइए एक कम्युनिटी जो सिर्फ झूठ में यकीन करती है वो करेगी क्या? जो इंडिया के मुसलमान आप समझते हैं आपसे बेहतर हैं, उनके गोलगप्पे सुने झूठों के, तो वो तो मगर एक चीज है कि वो प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, शायद आप उनको जानते हो, उन्होंने उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि ये इस साइड पे जो मुस्लिम्स रहते हैं साउथ एशिया के, ये 21वीं सदी में क्या कर रहे हैं, कि मतलब जिस तरह की बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि ये दूसरी या तीसरी सदी में रहते हैं। तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ के मुसलमान दूसरी तीसरी सदी में रहते हैं, अभी तक वो चीजें लेकर आ रहे हैं 1400 साल पहले वाली और आगे नहीं बढ़ रहे? मुसलमान तो रहता ही छठी सदी में है, मुसलमान जैसे ही मुसलमान होता है वो ब्रेक लगा देता, ये वही कौम है, वही लोग हैं जिन्होंने इब्ने रुश्द को मारने की कोशिश की, इन्होंने इब्ने खल्दून जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी है, उसको काफिर कह दिया। यहाँ तो इलमदीन जो था वो हीरो बन गया था जब उसने कत्ल किया था किसी रंगीले रसूल के राइटर पे, तो हमें खून खराबा, चाकू जना, खून, गले काटना, हाथ काटना, चाबुक लगाना, उल्टा टांग देना, इट इज इन टू द हेड्स ऑफ द यंगेस्ट ऑफ आर चिल्ड्रन।
पहला चीज है अल्लाह हू अकबर, उसको आप कह रहे हैं। आप पहले उसमें कह रहे हैं कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट, ये सारे भगवान भगवान जीसस वीजस सब इधर हटा दो भैया, खत्म। जब वो यकीन कर रहा है कि उसकी सेल्वेशन उसी वक्त होगी जब वो मरेगा, यौम कयामत होगी, हिंद मुकम्मल होगा, फिर हम जाएंगे अपनी उड़न खटोलों पे वहां गुरुओं के पास। कैन यू इमेजिन दैट पीपल जेन्युइनली बिलीव दैट? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल बिलीव करते हैं। जब बिलीव आप ये करेंगे कि आपकी पहली गर्लफ्रेंड आपको मिलेगी मरने के बाद, बॉडी आपकी यहीं रह जाएगी, आप गर्लफ्रेंड क्या कर लेंगे आप वहां जाके, पूरे बैठी हुई है तो तीन सौ बैठी। What sort of people are motivated simply by sexuality? ये मजा ऐसी बात नहीं है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पोर्न पाकिस्तान में देखा जा रहा है पर कैपिटा। सही यंग ग्रुप है उन्होंने, What are they? They are nothing. बेटी को पीटते हैं अगर बॉयफ्रेंड हो, और छोटे भाई को भेजते हैं जाके देख के वो अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, उसे उस पे कह रहे बड़ा तेज है ये, इसकी तीन गर्लफ्रेंड है। मगर यही चीज देखे ना कि ये एजुकेशन में जो है कहीं नजर नहीं आते बहुत ज्यादा, मतलब कहीं नुमाया नजर नहीं आते। और जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की बेस्ट, उसमें भी किसी एक भी जो है वो इस्लामिक कंट्री में नहीं है, इसमें भी नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो क्योंकि तालीम को ये समझते हैं इकोनॉमिक एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एजुकेशन फॉर अ नॉन मुस्लिम इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज। एजुकेशन फॉर द मुस्लिम इज परस्यूट ऑफ अ वाइफ, अ गुड मैरिज एंड अ गुड इनकम। सो 60% ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस जिनको MBBS की डिग्री मिलती है वो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो MBBS कर रही हैं टू गेट मैरिड, नॉट टू प्रैक्टिस मेडिसिन। छी 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 गंदे लोगों को नहीं। और आपको पता है कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा गया, नहीं पंजाब जहाँ पे कहना चाहिए बड़ा नाम है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का, और उसका उनको कहा गया है, और मौलाना कोई कह रहे हैं वहां पे कि जो MBBS करने के लिए लोग आ रहे हैं तो कहते हैं कि जो पिक्चर्स बनी होती हैं मेडिकल की बुक्स में उनको भी पर्दा होना चाहिए, उनका उनको भी मतलब दिखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि बुक के अंदर पर्दा कैसे होगा। ये इन लोगों ने बड़े मुसलमान फिजिशियंस का कत्ल किया हुआ, जो शुरू में जो गोल्डन एज ऑफ अरब्स समझे, मुसलमान को तो मैं नहीं समझता, बट द अरब गोल्डन एज प्रोड्यूस सो मेनी फिजिशियंस। वो ये नहीं था कि आयतल कुर्सी पढ़ के वो डॉक्टर हुए, उनको जुस्तजू मिली, स्पार्क उनमें लगा कि दुनिया है क्या, यहाँ से निकल के देखें क्या हो रहा है, यूरोप में क्या है गड़बड़ क्या है, आना जाना सब। ये तो वहीं बैठ के चीचावतनी से झंग और झंग से वापस चीचावतनी, वो ही कर ले। उधर का पीर ज्यादा बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा ना 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 ना, हमारा पीर जो कसूर में है वो तो आप दिमाग पढ़ लेता है। आई हैव सीन एंड हर्ड, दातागंज के अंदर आप बच्चों को लोहे के वो पहना देते हैं सर पे और कहते हैं चूहे हैं ये डोले शादे चूहे, क्या आप साइंटिस्ट निकालेंगे इस मुल्क में? एक शख्स 70 साल में ये अजाब नहीं बंद कर सका बच्चों पे। यू टेक यंग मैन एंड मेक देम इनटू माउस लाइक क्रिएचर्स, डोले शादा चूहा कहते हैं। हाँ इट्स हॉरिबल। आई हैव बीन टू विलेजेस जहां पूरा का पूरा विलेज जो था उनके हाथ के बजाय दे हैड हूव्स, एंड दिस वॉज इंटर मैरिज, और वो अंधे भी हो गए थे, सिंध के नॉर्थ में कहीं था, उनको इंक्लोज किया हुआ था। आई एम टॉकिंग ऑफ 78 जस्ट बिफोर आई लेफ्ट पाकिस्तान। एक मुझे कोई बता रहा था कि जावलक के जमाने में वो हॉलीवुड की मूवीज लगा करती थी, तो कोई बोर्ड लगा हुआ था सोफिया लॉरेन का, तो किसी ने जावलक वगैरह ने ऑर्डर चल दिए कि इनको बोर्ड के ऊपर चलवार बना दो सोफिया लॉरेन को, तो उन्होंने कहा कि उधर तो पहना देंगे, फिल्म के अंदर कैसे पहनाएंगे, ये पूछ लो जावलक साहब से।
फिल्म में क्या होगा, तो ये ज़हनियत है इनकी। नहीं, ज़ायरा की तो अपनी बेगम ऐसी थी कि उनको फिल्में देखने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वी हैव सफर्ड इमेंसली बाय द शेयर नोशन के वी मिस्टर जिन्ना मेड एन इस्लामिक स्टेट। मतलब इज पीपल बिलीव इन दैट नॉनसेंस। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने नाम बदल दिया अपना, बांग्लादेश कर दिया। आप यहाँ बैठे कायदे आजम मजार बनाए बैठे हुए, उसके अंदर जो कमरे थे वो किराए पे चल रहे थे बाय दीज पिंप्स, तवाइफें रहती थी वहां पे। ये आपने खबर शायद मिस कर दी होगी कहीं। नहीं, मैंने नहीं सुनी है ये, क्योंकि वहां तो गार्ड वार्ड खड़े रहते हैं, गार्ड्स की सारे वक्त दिखाते रहते हैं भाई। गार्ड कमरे हैं छोटे छोटे, वहां आप ले आइए, एक घंटे के लिए पैसे इतने लगेंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता बिल्कुल। है ना, आप तो लेटेस्ट एजुकेटेड हो गए ना मुसलमान, तो वो क्या कहते हैं शादी को, मिसार मैरिज, जो डेढ़ दो घंटे के लिए होती है। तो यहाँ आप टोरंटो में जाइए, वहाँ क्या होते हैं मोटेल्स, उसके अंदर मिसार की मैरिज बहुत दबदबा हो रही दो दो घंटे के लिए। पढ़ने की इंटरेस्ट कौन है भाई? नहीं, ये तो खैर है, इनका एजुकेशन में तो बिल्कुल जीरो है। जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उनकी भी बातें सुने तो इंसान सारी पीट ले। लेकिन अगर हम बात करें, आगे बढ़ें और हम बात करें रशिया की और यूक्रेन की, तो आप क्या देखते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन है, क्या अटैक होने जा रहा है, और क्या क्या इससे दुनिया को कोई कोई सबक मिलेगा या कोई नुकसान होगा, कुछ रोका जा सकता है? देखें, 1952 प्रेसिडेंट आइजनहावर जब छोड़ रहे थे अपनी गद्दी शरीफ, तो उनकी एक स्पीच है, फेयरवेल स्पीच 10 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया कि ये माफिया जो है इनका नेटवर्क ऐसा है कि इनकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हर कांग्रेसमैन के डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई हैं। एंड ही सेड बीवेयर ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आज अमेरिका में वही चलता है जो रूलिंग क्लास, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहे। ट्रंप जो था, लोग कहते हैं बड़ा राइट विंग था, वो इस मामले के अंदर वो इसीलिए हटाया गया ना कि वो तो सबको अपनी बेवकूफी में नंगा कर देता था कि क्या हो रहा। लेकिन आपके पास बड़े बड़े फिलोसोफर आके वो दिखा के गए थे इराक का, क्या कह रहे थे, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, याद है यूएन के अंदर, ये सब के सब दे स्पीक फॉर व्हाट दे आर पेड टू स्पीक। अब इस वक्त यूक्रेन में आपके बाइडेन के बेटे का ठेका, उसके चाइना में भी है, दोनों से चल रहा है, दोनों की दलाली कमा रहा है एक प्रेसिडेंट का बेटा। और यूनाइटेड स्टेट्स का मकसद है कि ये अफगानिस्तान में भागना पड़ा, अब यहाँ बंदूक है, बारूद है, ये तक तो बेचना ना, ये कहाँ जाएगा? वो जो फैक्ट्रियां इनकी अमेरिका की हैं, वो बना के उसको क्या गोडाउन में रखेंगे? वो भी तो कह रहे हैं भाई, कहते हैं बमबारी कराओ ताकि ये मिसाइल इस्तेमाल हो, तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड आप देखिए कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि कोई ऐसा मसला नहीं, 30 सालों से इनकी 1 लाख ट्रूप्स होती हैं, और वो कह रहे हैं कि आप यहां कैसे आए, रूस की फौज रूस में है और यूक्रेन में बर्तानिया, पोलैंड, अमेरिका, दुनिया भर का कचरा वहां उलट दिया गया, 500 इसके सोल्जर, 500 उसके सोल्जर। और यूक्रेन को समझिए, बाय द वे यूक्रेन में दो शहर ऐसे हैं जिनके मेयर पाकिस्तानी है, ये ढूंढ लीजिएगा कहीं। यूक्रेन के यहां वेस्टर्न साइड इज कैथलिक एंड द ईस्टर्न पार्ट जो डनबास का एरिया है वो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के। तो जो अमेरिका, जो रूस ने जो एरिया ईस्टर्न यूक्रेन में जब बगावत हुई 2014 में अगेंस्ट द वेस्टर्न कैथलिक पार्ट ऑफ द कंट्री, डोंबास का एरिया था और ये क्राइमिया बाय द वे वहां सारे तातर रहते थे मुसलमान, क्राइमियन टार्टर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिपोर्ट किया गया था सब, क्यों, हमारा तो काम ही है ना, वो कोलैबोरेटर हम बन गए नाजीज के, तो दे वर टेकन एंड डिपोर्टेड एंड सेंट टू द ईस्टर्न फ्रंटियर।
तो क्राइमिया टुडे वॉज पार्ट ऑफ रशिया एट दैट टाइम बट बिकॉज द पीपल ऑफ क्राइमिया फॉट अगेंस्ट द नाज़ीज एंड दे वर यूक्रेनियंस, तो रूस जो मॉस्को था उन्होंने यूक्रेन को एज अ प्रेजेंट ऐसे ही समझे, नॉर्थ कराची को दे दिया प्रेजेंट मलीर को, क्योंकि एक ही कंट्री था ना. सो दिस पार्ट ऑफ यूक्रेन वॉज हैंडेड ओवर एज अ प्रेजेंट टू यूक्रेन फ्रॉम रशिया. ये रशिया ने अपना वापस लिया है क्राइमिया का पेनिनसुला और सब कुछ, लेकिन अमरीकियों की जो एक्सपर्टीज है इन हाउ दे एक्सप्रेस देयर एंगर एंड ड्रामाबाजी जो चलती है कि ये मिनिस्टर उससे कर रहा, वो हुआ वहां पे कि रूस का या यूक्रेन का तो कोई बोलने वाला आता ही नहीं है कहीं. जब भी आता है ऐसी जबान बोल रहा होता है, आपको तो नहीं समझ में आ रहा, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं सारी बात. एंड देयर विल बी नो वॉर ओवर देयर एक्सेप्ट दैट द अमेरिकन्स विल बी एबल टू सेल आर्मामेंट्स एंड डिप्लॉय ट्रूप्स. रूस तो अपनी बॉर्डर में है ना, ये जर्मनी और पोलैंड ये सब तो अपने बॉर्डर से बाहर है, लेकिन आप 90% लोगों से पूछेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि रूस क्यों कर रहा है. अरे रूस तो अपने मुल्क में बैठा हुआ. आप यूक्रेन से पूछिए कि उसके पास क्यों फौज आई हुई है पोलैंड की और जर्मनी की और फ्रांस की और ब्रिटेन की. तो इट इज वन ऑफ द ग्रेट मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स दैट विल बी स्टडीड लेटर ऑन, हाउ यूएस इंपीरियलिज्म वर्क्स. लेकिन यूएस आपको नहीं लग रहा कि कुछ कमजोर हो गया पहले के मुकाबले में? जैसे पहले बड़ा एक सुपर पावर है और समझा जाता था, अब अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा है, बाकी जगह भी जो नया प्रेसिडेंट आया है वो भी इनका तरह कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. वियतनाम से भी निकले थे, उसमें क्या बात है, निकलने की क्या बात है, थूक करके चले जाए. आप बैठे नहीं थे कोरिया के अंदर, जापान में आप थे, आप पूरा लैटिन अमेरिका में 25 दफा तो मिलिट्री कू कराया इन्होंने. ये बनाना रिपब्लिक जो टर्म है ये लैटिन अमेरिका से ही आती है ना, कि सही अटैक करना था ग्रेनाडा को, फौज गिर गई कहीं और. तो आपकी फौज भी भर्ती होती इस चक्कर में कि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, 200 हो जाएगा, वेट सर्विसेज मिलेंगी, ये सब है. कोई वो जोश तो नहीं है कि 9/11 वालों को देख लेंगे. अमेरिका में किसी को पता ही नहीं, आजकल याद ही नहीं है 9/11 हुआ कब था. उसमें फिल्म बनी है? नहीं फिल्म नहीं बनी. अच्छा फिर हमें याद नहीं, पर्ल हार्बर का बताओ. पर्ल हार्बर क्योंकि फिल्में बहुत बनी इसे एवरीबॉडी नोज दैट. सो ऐसे नहीं है कि बहुत तुर्रम खान लोग बैठे हुए वहां. अब वहां अल्ट्रा राइट जो घुसी है जैसे कैनेडा के अंदर, और हर जगह ट्रकों की बारात चल रही है, ये वो एक्सप्रेशन है अल्ट्रा राइट विंग रिलीजियस मजहब में डूबे हुए, अल्लाह इन्हीं के साथ है बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल वही यानी अंग्रेजी बोलने वाले मौलवी हैं सारे, जो मिड स्टेट लेवल रेडनेक जिसे कहा जाता है, एंड दे विल कॉज इमेंस हार्म इफ दे आर नॉट स्टॉप्ड. लेकिन जैसे हम उससे पहले बात हम जब कर रहे थे इंडिया की, तो वो एक तो एक चीज तो जो आपने कही मिस्टर जिना के वो मजार वाली, वो तो खैर मैं चेक करवाऊंगी किसी से, लेकिन साथ ही मैंने एक चीज नोटिस की, मेरा ख्याल था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं मैं उनको समझ रही थी कि यहाँ के लोगों से बेहतर है, लेकिन जिस तरह की इन्होंने रैलियां निकाली है, पूरा पूरा बुरके पहन के ये बाहर सड़कों पर आ गए, तो वो बड़ी अजीब बात लगी. इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ये इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया. सिंध में कौन था पाकिस्तान बनाने वाला, या पंजाब में मुस्लिम आ गए ना जिन्होंने बनाया था वो आ गए. नहीं, ये भी समझिए, जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ कि रोक दी गई ट्रेनें, उसकी वजह ये थी कि बंगाल ने जब ये देखा कि ये बिहार का बिहार पूरा 25 करोड़ आ रहा है यहाँ पे, बंगाल को उर्दू लाने के चक्कर में उन्होंने दे कॉट इट वेरी अर्ली, एंड द बंगाल हैड द मेजोरिटी इन पाकिस्तान पार्लियामेंट. उन्होंने कहा ये बंद होगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगी महाजी ट्रेन, जो मीरपुर और मोहम्मदपुर जो ढाका के इर्द गिर्द हैं,
जिना साहब ने जाके तकरीर कर दी थी अंग्रेजी में कि आपकी जबान आज से उर्दू है, तो दीज आर दी पीपल हु सेड नो मोर बिहारी ना खप्पन। सिंध में यह नारा था, बिहारी ना खप्पन, यानी कि ये आके उर्दू बोलने वाले सिंध के अंदर सिंधी जबान पे बैन लगवा दिया। यू हैव नो आइडिया जो कि आप सोचें कि आप कराची में पढ़े गुजराती बोल रहे हैं, देन वन डे यू कम यू फाइंड द लैंग्वेज इज गॉन। लेकिन एक हिंदू मेजोरिटी वाली कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी है वो इतनी पावरफुल है कि उसने जो है वो इस तरह का एक हिजाब के ऊपर इतना हंगामा खड़ा कर दिया। ये आप समझते हैं कि जो हिंदू मेजोरिटी है वो इतनी डफर थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया? आप इंडिया को कुछ ज्यादा तुर्रम खान ना समझें, हर हमारे इडियट के लिए कम से कम आधा वहां भी है। उन्होंने पाकिस्तानियों ने बॉम्बे पे अटैक किया ना, इंडिया ने क्या जवाब दिया? अच्छा फाइल भेज दो, दूसरी फाइल भेज दो, अच्छा फाइल खा गया हमारा चूहा, चार और भेजो, वो फाइल भेजे जा रहे वो खाए। इंडिया का ब्यूरोक्रेट फाइल खाता है सुबह दोपहर शाम, फाइल कैबिनेट ये वो, पाकिस्तानी जो है वो कुछ करता ही नहीं, वो फाइल वहीं रह जाती। दे कुडंट रिस्पॉन्ड टू एन अटैक ऑन इंडिया, इंडियन क्या कर लेंगे? सामने आपके सिंध के अंदर बगावत चल रही फ्रंटियर में, हर को बांग्लादेश आपका दोस्त है, आप उसको नहीं संभाल सकते? नहीं वो तो खैर कहते हैं हमने बड़े सबूत दिए थे, स्पेशली वो बॉम्बे अटैक के, तो आमिर मीर साहब भी फंस गए थे क्योंकि उन्होंने कह दिया जी मैं तो मिलकर आया हूँ अजमल का साहब के फैमिली से, तो लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। ये है वैसे बात है ना, होता कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने एमबीए करना होता है, रंग गोरे करने वाली क्रीम वाली बीवी चाहिए आपको, आपको फिर मोहल्ला अच्छा चाहिए, फिर बीवी की सास कहती है मुझे फ्लैट अच्छा चाहिए, पूरा इंडिया इसमें लगा हुआ है क्या इस लफड़े में कौन पड़े, यही कहते हैं ना, बच्ची जगह फिट हो जाए, सेट कर हो जाए हमारा बच्चा कहीं सेट, के फिर जब वो बीवी उनकी हो वो 11:30 बजे पूरे दिल्ली बम्बई के अंदर वो क्या किट्टी पार्टीज करती रहे, बस पूरा आपका इंडिया का इंटेलिजेंस जो है वो किट्टी पार्टी करती। वो तो यहाँ भी होती रहती है लोगों की, अरे यहाँ तो होना है, यहाँ तो औरत को ना भी करना हो तो वो रोटी तो बनाएगी ना, चार बीवियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना सारी पाकिस्तानी औरतें। किट्टी पार्टी तो ऊपर चल रही थी, इंडिया को कॉपी करके किया, अमन की आशा में जाती है ना माँ आंटियां, देखा अल्लाह नसीमा वहां तो पार्टियां होती है 11:30 बजे, अच्छा हम भी करेंगे, वहां मेड्स भी होती है हम भी मेड लाएंगे। एक जमाने में श्रीलंकन मेड का रिवाज हो गया था पाकिस्तान में, तो मेरे अपनी फैमिली में कई लोगों के वो मैक्सियां पहन के घूम रही होती थी कि जी उन्होंने रखी है तो हमने भी रखनी है। फिलिपीन की भी आती हैं, वो हाई ग्रेड की हैं फिलिपींस, कुछ नियोटियों के घरों में होती हैं, बिल्कुल टॉप क्लास पंजाबी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वहाँ जनरलों के घर होती हैं और वो हाथ बांध के खड़े रहते हैं सबको चाय में लाओ, यूं कहते ना चुटकी बजा के पाकिस्तान चाय लाना यार, क्या बूथी देख रहे हो हमारा, इट्स अ हॉरिफिक प्लेस, गरीब आदमी। मैं किसी के घर गई थी अभी की बात नहीं, काफी टाइम पहले, मेरी कॉलेज फेलो थी, तो वो बैठ के अपने घर में ना आवाज लगा रही थी, अपने नौकर को आवाज देती रही, वो आया ही नहीं, उसने सुना नहीं होगा कहीं, मैं क्या बात है, कहती है पानी मंगाना है, साथ में किचन था, मैंने कहा उठ के ले लो भाई जाके, मगर उसने 50 आवाजें थी, वो उठ के नहीं गई वो पानी लेने, साथ में बिल्कुल किचन, मैंने कहा कि पता नहीं क्या काम है जो चिल्लाई जा रही। फिर आप सवाल ये पूछ रही हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों में क्या, जब माएं ऐसी हैं तो औलादें क्या साइंस वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगी और गुड बॉय बन जाएंगी बड़े होके? कोई भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी सर देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि एक इलेक्शंस की वजह से भी जो वहाँ पे चल रहे हैं यूपी और दूसरी स्टेट्स में, उस वजह से भी ये हिजाब और इस तरह की चीजों का इशू उठाए जा रहे हैं और उसके बाद गायब हो जाएगा। मुसलमान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, सीमी हैं और ये सब है, ये उनका किया हुआ है, वो तो सब पता है सबको, लेकिन हमारा मुसलमान इसमें भी कहेगा देखो भैया हिंदू बड़ा तेज होता, इलेक्शन करा दिए इसीलिए तो योगी जी जीत गए, वरना हार जाते।
यू हैव नो आइडिया, हम दुनिया में जब स्टुपिडिटी इजाद हुई थी तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि इसमें मेरी मदद कर दो, उसमें सारे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की स्पेशल जगह थी, जो चूल्हा जला रहे थे, आग लगा रहे थे, तो अल्लाह मियां से पूछ रहे हैं कि ये हो गया पक गया, नहीं सर इसमें थोड़ी बेवकूफ़ी डालना दो छिटाक, उसने कहा और क्या डालना है, थोड़ा जहर भी डाल दो ताकि खत्म हो। दे हैव नेवर कम आउट विद एनीथिंग, और वो जो एक था नोबेल प्राइज विनर वो ऐसा भागा, उसकी जान बचा के बता, वो जंग से आया था, जंग में गया। और अब तो उनके बेचारों के जो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बनाया था उनके नाम से, उधर से भी बोर्ड हटा दिया है। इतने प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ होगा गदा डिपार्टमेंट, गटर डिपार्टमेंट, इस टाइप पाकिस्तान माहौल अच्छा होना चाहिए था। हाँ नहीं और इनका कुछ हो नहीं सकता जब तक एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे पाकिस्तान के। पाकिस्तानियों से बात की है कभी? की है, लेकिन इसी तरह के निकले, एजुकेशन ने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका। नो, आपका ऑर्डिनरी किसान इज मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल देन योर रिलेटिव हु हैज कम बैक विद अ पीएचडी इन इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड। बिल्कुल ठीक, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही देख लीजिए, कहाँ कहाँ की डिग्री और बातें सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने सुना नई बीवी भी आ रही है, पैकेज डील जो होने वाला है। हो सकता है, पता नहीं, अभी तो ये वाली तो नाराज होगी, चली गई है, कुछ गड़बड़ चल रही है ना, एक जगह खाली होगी ना। वैसे सुना आपको वो है COVID-19 हुआ हुआ है, इतना बोल रही है तो यू शुड टेक केयर। नहीं सर, मुझे 5 दिन हो गए और मेरी बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही है और खांसी तो मुझे बेताश और टेम्परेचर भी, तो 5 डेज और मुझे कहे गए कि 5 डेज और ऐसे ही रहूंगी। डू यू टेक समथिंग फॉर कोविड के लिए, क्या करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोविड के लिए क्या, जो आम है बुखार की मेडिसिन है वही खिला खिला के और वही चीजें दे रहे हैं सब, गरम सूप और चाय और ये वो। मैं क्योंकि एंटीबायोटिक मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी मदर होती तो उन्होंने यही कहना था, नजर लग गई है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।